प्रवेश लाल जो कप्तान है, इन्होंने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम लोग बैटिंग करेंगे। सलामी बल्लेबाज के रूप में हमें नजर आ रहे हैं सरफराज खान, प्रवेश लाल यादव दूसरे छोर पर हमें नजर आएंगे, भूपेंद्र सिंह गेंदबाज हैं, और ये डिलीवर होती हुई पहली गेंद इस मैच की। पहले रन पर पहली शुरुआत, क्या जोश दिखलाई पड़ रहा है, और एक्सीलेंट की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इन द एफओ सबटेंडर इज अ फील्डर एट पॉइंट रीजन, एक मौका था, मौका छूटा और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, सरफराज को मिला जीवन दान और ये निकलता हुआ चौका। तो मैच निश्चित रूप से प्रेशर में आ जाता। देखें बॉल थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी, कवर के पॉइंट्स के ऊपर से निकालने का प्रयास और बहुत बढ़िया फील्डिंग्स करने का प्रयास, लेकिन चूके और चार रन। एक मतलब बाकी निश्चित रूप से एक अच्छे स्कोर की तरफ सुल्तानगढ़ के प्रयास करिए हमने एक बार फिर से। और ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक सुधीर जी, आदि आप मिस कर गए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, हम एक्शन रिप्ले में देखेंगे स्कोर, इस स्ट्रोक को। ऑन साइड में जितनी तेज रफ्तार से गेंद आई उतनी ही तेज रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी गई, ये निकला ऋषभ बी आई पी एल सिक्सर। सिक्सर निश्चित रूप से एक गेंद के खाली दिशा देवे के काम किलन, चूंकि विक्रांत के गेंद में तेजी होले और जब तेज गेंद आवे लेते खाली दिशा अगर परफेक्शन के साथ एक एक परफेक्ट पुल कर दिलन, छह रन खाती सीधा बाहर। जितना तेज गेंद आई उतने तेज शॉट लगी और फिर से एक बार, लेकिन सामने उठा दे ले बॉन्ड, खिलाड़ी बॉल के नीचे जा रहा है बॉन्ड, लेकिन मिस किया ने प्रकार से, एक जीवन दान सरफराज को मिलता हुआ, लेकिन यह जीवन दान क्रिकेट में अक्सर जोनबा बहुत बड़ा कारण बन जाला जीत हार के, एक ध्यान में रखे के पड़ी। भूपेंद्र जी के हाथों से ये कैच ड्रॉप हुआ, बहुत मुश्किल था काफी। अभी प्रोजेक्टेड स्कोर दिखला रहा है कि अगर 9 प्रति ओवर्स बनेगा तो 89 का स्कोर, 11 पर 103 का स्कोर, और इस दरमियान इनसाइड आउट खेला उसे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सरफराज ने और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकला डिशोम बीआईपीएल सिक्सर। इस छक्के की सबसे बड़ी बड़प्पन देखिए कि दिनेश लाल जी ने स्वयं हाथ हिलाकर अंपायर को पहले बता दिया कि 6 रन बनल बा, भारी ईमानदारी, और वो सिक्सर मुझे प्रतीत हुआ, और क्या इस मरतबा 4 भी हो जाएगा, जी हल्की सी मिसफील और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकला डिशोम बीआईपीएल चौका, पहले सिक्सर और फिर ये मिसफील्ड की बदौलत चौका, 3 ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस चौके की बहुत अच्छा पार्टनरशिप। अभी फिर से एक बार स्लोअर ट्रेजेक्टरी के गेंद रहे और बहुत बढ़िया चौका, ये कहा जा सकेला डिशोम बीआईपीएल चौका, और यह चौका आप लोगों को चौका देगा, चूंकि इसलिए कि सरफराज खान के बल्ला से लगातार आग उगल रहा बा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने इन दोनों भाइयों का परिचय दिया, प्रवेश लाल और दिनेश लाल जी, इस बार आगे बढ़े जरूर थे, पीछे हटे और गेंद को मोड़ दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड लाइन की तरफ, अकबर नकवी केवल दौड़ी लगाएंगे और गेंद को नहीं रोक सकेंगे, गेंद जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर, डिशोम बीआईपीएल चौका। खूबसूरत पेस का इस्तेमाल किया, पहले आगे बढ़ना चाहते थे फिर पीछे हटे और मोड़ दिया, 50 रन इस तरीके से पूरा होता। इस बार घूमे जरूर और मोड़ दिया गेंद को, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, एक और दंदनाता हुआ डिशोम बीआईपीएल चौका। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, तब चाहे सरफराज की बात करें और पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है प्रवेश लाल यादव की तरफ से, एक जबरदस्त शुरुआत यहां पर होती हुई। 63 रन बिना किसी नुकसान के, लेग स्टंप पर गेंद सीधा ड्राइव कर दिया है, कहीं कोई मौका नहीं 4 रन के लिए, ये डिशोम बीआईपीएल चौका। बिल्कुल जानते हैं और गरिमा बनाए रखे हैं बल्लेबाजी की, लेग स्टंप पर ये गेंद थी, क्या खूबसूरत अंदाज में। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कोई गलती नहीं हुई, भूपेंद्र सिंह इस कैच को लपके, यहां पर जोड़ी टूटी, प्रवेश लाल जी 18 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाए हैं, तीन नाम ले लीजिए, चलिए तीन नाम लीजिए। हाय क्या कर रहे हो, फंसा रहे हो, विक्रांत और दिनेश जी। अरे छोड़ा सब झमेला भैया, खेला के मेला में चल 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 चल, अदरवाइज मैं नॉनवेज नहीं खाती बट फिर भी खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का। आउट आउट आउट,
बच गया, चौका लग गया। जी? यार मैं अकेले ही हूँ, मैं फिर भी चेयर अप कर रही हूँ यार, कितना करूँ, जितनी ताकत है सब लगा दे रही हूँ। आपकी टीम में देख रहे हैं सिर्फ आप ही एक खूबसूरत अभिनेत्री यहाँ पर हैं चेयर्स करते हुए, बाकी सब कहाँ गए ठंड में? बाकी सब चले गए हैं मुझे छोड़कर, पर और उदय बहुत अच्छी बैटिंग करता है, तो टाइगर्स टीम ज्यादा अच्छी लगी मुझे। सिक्स लग चुका है और हालत बड़ी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है यार, प्लीज क्या करें यार, तुम लोग भी प्रे करो ना कुछ, ऑडियंस आप लोग भी प्रे करो प्लीज कि हम। अंदाज खेलने का जो है वो बहुत ही निराला नजर आता हुआ, इस बार फिर से एक अच्छी गेंद थी लेकिन उसे उतने ही लाजवाब अंदाज से मोड़ दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ एक और डिशोम BIPL चौका। ये देखिए किस तरह से गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मोड़ा और हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास है, क्लास भी दिखाते हुए, ताकत भी दिखाते हुए, नजाकत भी दिखाते हुए। और यहाँ पर लय से विपरीत हो रहे हैं, पटकी हुई गेंद, यहाँ पर अपर कट का स्ट्रोक आया, गेंद देखना एम्पायर का निर्णय, एक टिप्पा गिरने के बाद थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर डिशुम BIPL चौका, क्या करारा प्रहार हो रहा है। और ये देखिए BIPL के अध्यक्ष लेकिन अभी कप्तान है सुल्तान के, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं क्योंकि उनके बल्लेबाज यहाँ कमाल दिखा रहे हैं। पांचवा चौका इस ओवर में निकला ये अंशुमन के बल्ले से, जबरदस्त अपर कट और उस गेंदबाज के द्वारा जो टीम के प्रारंभिक गेंदबाज हैं विक्रांत के द्वारा। पर ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, एम्पायर के निर्णय का इंतजार करेंगे, हालांकि गेंद जारी फाइनल बाउंड लाइन की तरफ, नहीं रोक सकेंगे, फाइनल बाउंड लाइन के बाहर डिशुम BIPL चौका, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन पहुंचने में असमर्थता दिखाई और यहां पर चौका मिला और रन बढ़ोतरी हुई 94 रन 7.1 ओवर जो चल रहा है अभी। अंशुमन राजपूत ये स्ट्रोक देखिए, ये बल्ले से लगी है या गेंद, 44 पर पहुंच चुके हैं सरफराज, क्या एक और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हाँ, ये निकलता हुआ एक और डिशोम BIPL चौका, इस मर्तबा सरफराज के बल्ले से। बिल्कुल 48 पर पहुंच चुके हैं अरमान, अर्धशतक यहां देखने मिलेगा। लेकिन एक एक इनिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर आप मैच को जज नहीं कर सकते, अभी भी इस पारी के कुछ ओवर बाकी है, दरमियान एक और लाजवाब स्ट्रोक, अंशुमन है स्ट्राइकिंग एंड पर और ये आता हुआ डिशोम BIPL सिक्सर। और असगर खान और यहां पर उठाकर खेल दिया है, क्या ये बिग 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 और आसमानी सर करा दिए है, ये है अंशुमन, ये है परिचय, ये है इंट्रोडक्शन, 6 रन डिशुम BIPL सिक्सर, लाजवाब बेजोड़ कलरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल सक्सेसफुल सिक्सर। ओवर पिच गेंद और उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया सीधा VIP जोन की, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये मुकाबला नहीं जीता है, हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। और यहां पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सरफराज खान, 50 रन 23 गेंदों का सामना करते हुए, पहला 50 इस टूर्नामेंट का, और उनका क्या बखूबी साथ निभा रहे हैं अंशुमन, क्या एक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हाँ, कोशिश तो जरूर थी खिलाड़ी के द्वारा लेकिन ये गेंद रुकेगी नहीं और यहां पर निकलता हुआ एक और डिशोम BIPL चौका। देखिए 49 रनों की पार्टनरशिप हो चली है, एक और धीमी गति की गेंद, यहां पर देखना है बल्ले का बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, हालांकि गेंद धीरे धीरे भूपेंद्र सिंह के रास्ते से काफी दूर चली गई है, थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर डिशुम BIPL चौका, अंशुमन राजपूत 9 गेंदे 36 रन और इस चौके को भी अगर आप जोड़ दें तो 10 गेंदों में 40 रन पर पहुंचते हुए अंशुमन। बिल्कुल इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं, मौका बन गया वहां पर गेंदबाज के लिए और सफलता मिलती हुई इमरान कुरैशी को, एक बेहतरीन कैच इमरान कुरैशी के हाथ में 9वें ओवर में, ये पार्टनरशिप जो काफी खतरनाक साबित हो रही थी उसे ब्रेक किया, 36 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली अंशुमन ने मात्र 11 गेंदों में 122 दो विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद जो आखिरी गेंद है, इस गेंद को भी मोड़ दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, सरफराज रुकने का नाम नहीं ले रहे और एक और निकलता हुआ डिशुम BIPL सिक्सर सरफराज के बल्ले से। वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर थे असगर, लेकिन उनके सर के ऊपर से और सिक्सर में गेंद तब्दील हो गई।
मात्र एक रन इस ओवर में आया। इस बार मौका बना दिया है गेंदबाज ने खिलाड़ी आते हुए उस गेंद के नीचे और ये सेकंड अटेम्प्ट में कैच को कन्वर्ट किया। विक्रांत सिंह वहां पर है और जबरदस्त कैच और टीम को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। ये देखिए किस तरह से गेंद बल्ले के ब्लेड पर लगकर काफी ऊंची उड़ चली थी। फाइनलिंग में विक्रांत वहां पर मौजूद थे, सरफराज जिन्होंने 28 गेंदों में बनाए 58 रन। आखिरी दो गेंदें शेष हैं इस पारी की और दोनों ही बहुत विशेष हैं। सोनू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ जाता हुआ ये स्ट्रोक, सोनू सिंह दिशोम बीआईपीएल सिक्सर। ये देखिए उनका अंदाज, ऐसा लग रहा है मानो हाफ सेंचुरी बना ली हो उन्होंने ये सिक्सर लगाकर। बिल्कुल गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की हो, उनके याद आ गई कहीं ना कहीं कि मैं ही था जो मैंने जिताया था और अयाज खान रफ्तार के सौदागर गेंदबाज थे, लेकिन क्या करारा पड़ा। ये इस पारी की अगली गेंद जो आखिरी गेंद भी है इस पारी की जो शरीर पर टकराई है और एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाय का। एक रन 10 ओवर में कुल जो रन बने हैं वो है 136। इमरान कुरैसी बैटिंग करे खाती आइल बाउंड, असगर खान बाउंड। अब देखते हैं इस मैच में मुस्कुराहट किसके चेहरे पर। और पहला बॉल पर विकेट, पहला बॉल पे विकेट। गर्ल्स भी हमें नजर आती हुई सेलिब्रेट कर रही हैं, वो भी डांस करते हुए नृत्य करते हुए। पहली ही गेंद पर सफलता, अंशुमन ने दिला दी ये सफलता बगैर खाता खोले इमरान पवेलियन की तरफ लौटते हुए जो आए हैं बल्लेबाज। और उन्होंने भी ये आवश्यकता नहीं थी इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने की, अंशुमन है और वो नहीं करेंगे कोई गलती। एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ, अजय शर्मा का भी विकेट यहां पर गिर चुका है। कॉट एंड गोल बाय अंशुमन, दूसरी बड़ी सफलता। सुल्तान सुल्तान और सुल्तान भोजपुरी सुल्तान के लिए पहले ही ओवर में दो विकेट अंशुमन के खाते में। अंशुमान ने बैटिंग में भी रीढ़ तोड़ दिया था भोजपुरी जवान का, वे फाइट नहीं कर पाए। गेंदों में एक रन, अजय शर्मा आउट होकर पवेलियन की तरफ। दो विकेट ले चुका अलबान, साथ में तीसरों खाती बढ़ रहा अलबान का कर है। और ये देखिए वैभव राय है खिलाड़ी अंशुमान सिंह, आज पूरा जलवा बिखरतान। जेहर मरला नोहरे चौका, जेहर पावत हो नोहरे विकेट पावत हुआ। देखिए यही होता है क्रिकेट में, दिन होता है और टुडे इज द डे फॉर द अंशुमान एंड ही इज जस्ट डूइंग द वेल बैटिंग्स, वेल बॉलिंग एंड ही इज आल्सो डूइंग द एक्सेलेंस। और यहां पर अकबर नकवी भी खाता खोले बगैर पवेलियन लौटते हुए। बल्लेबाजी भी अच्छा की, गेंदबाजी में तीन विकेट अब तक ले चुके हैं। बहुत बढ़िया ड्राइव, बहुत बढ़िया ड्राइव, व्हाट ए इनिंग्स, व्हाट ए बाउंड्रीज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द असगर अली। हम लोग ये मान के चलते हैं कि असगर अली का अच्छी असगर खान स्ट्राइकिंग एंड पर पॉइंट, ये हुई मिसफील्ड और अब मिल जाएगा ये डिशोम बीआईपीएल चौका असगर खान के खाते में, टीम भोजपुरी सुल्तान के खाते में ये चौका। प्रकार से 24 रन बन चुका बा तीन विकेट के नुकसान। प्रकाश जैस भी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं और इनके तो क्या कहने, क्या यहां पर विकेट गिर गया या फिर बचे हैं नीरव वाजी, नहीं विकेट गिरता हुआ, एक और बल्लेबाज यहां पर आउट। चौथा विकेट दौलत, थोड़े से दिशाहीन जरूर थे शुरुआती गेंदों में लेकिन ये अच्छी वापसी, यॉर्क लेंथ में गेंद और रुका नहीं पाए दिनेश लाल उर्फ नीरव हुआ। एक और विकेट का पता, इस दो गेंदों में एक रन बनाए दिनेश लाल यादव आउट। कल हमारी प्लानिंग, कल भी हम लोग काफी अच्छा खेल रहे थे बट आज जो हमने प्लान किया था कि आज हम टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद जो इस बीच यहां पर कट शॉट और गेंद देखते ही देखते सीधा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, बीआईपीएल डिशम बीआईपीएल चौका, क्या करारा प्रहार। कल के मैच में थोड़ा सा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था लेकिन आज कहीं ना कहीं आपके खिलाड़ियों ने एक जमकर और दम खम वाली प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पर देखिए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा है, यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है और दम बिखर गए लेकिन जब तक घर में पहुंचे दरवाजा चला था, वापस किया था बल्लेबाज को भूपेंद्र सिंह यहां पर रनआउट होकर। और क्या बेहतरीन डीप से थ्रो आया दौलत का, ये खिलाड़ी एक नया खिलाड़ी है और ऑक्शन में भी इस खिलाड़ी को चयन किया गया था। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर क्या करारा प्रहार कर दिया, कट शॉट और गेंद धीरे धीरे जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, डिशम बीआईपीएल चौका। दोनों
दौलत की ये फुल टॉस गेंद और बिल्कुल क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया, सीधे खेला लॉन्गन मॉडलैंड के बाहर, डिशुम बीआईपीएल चौका, बैक टू बैक खेला गया ये दूसरा चौका। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर मिश्रा जी, स्वागत है सुधीर जी आपका। लेकिन ये बात अभी ओनर से मैंने की पूरी तरह से सुल्तान, और ये विकेट गिरता हुआ निश्चित रूप से एक धमाका दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि आज सुल्तान का हर एक तरह से परफॉर्मेंस बहुत एक्सेलेंट चल रहा है। अंशुमान ने पहले अच्छी गेंदबाजी की, अब जो है सरफराज की बारी है। नीचे रह गई थी गेंद और उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थी और क्लीन बोल्ड हो गए। अगर ये गेंद में थोड़ी उछाल रहती थी, जो मंशा थी, जो इरादे थे असगर खान, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई यहां, ऑफ स्टंप के दायरे से गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, डिशुम बीआईपीएल चौका। सुशील सिंह ने क्या बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोला। हालांकि अगर देखें तो पर्दे पर यह टूर्नामेंट का 70वां यानी कि 70 बाउंड्री है और पर्दे पे खलनायक का भूमिका निभाते हैं सुशील सिंह। डिशुम बीआईपीएल चौथा संस्करण जीतेगा और एक बार फिर से अपील जरूर लेकिन विश्वास में कम और उम्मीद ज़्यादा नहीं दिखलाई पड़ रही है। लेकिन इस तरह से करते हैं ना कि ये यश की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल सही ठिकाने पे पिच कराते हुए चकमा खा गए और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अंदर एक क्रिकेटर्स का जज्बा है, बिल्कुल भाग्य में अगर लिखा है तो वही मिलेगा। इस बार गेंद ऊंची उठी है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, सोनू कोई गलती नहीं करते हैं और इंतजार में रहते। देखिए यहां पर अपना एक हल्का सा नृत्य दिखाते हुए, और कोरियोग्राफर तो हैं तो ये लाजमी है। और ये डांस, ये नृत्य भोजपुरी प्रीमियर लीग के आनंद बाय में, चूंकि बीआईपीएल के संस्करण में आपके जो डांस दिखलाई पड़ रहा अलवाना, निश्चित रूप से आनंद के प्रतीक। और एक बार फिर से विकेट गिरल यहाँ पर अंशुमान के, फिर से रन आउट स्टंपिंग्स, और ये प्रकार से जो बा भोजपुरी जवान्स के बड़ा मुश्किल हो गई बा मैच जीतल, 3 बॉल पे 63 असंभव सा बा। लेकिन अंतिम गेंद फेंकी जा रही है और यहाँ पर विजय के बिल्कुल करीब, यहाँ एक मौका और बन रहा था और जैसे कि कही जा रही थी बात, अंशुमन अंशुमन और अंशुमन, और खुशी चेहरे पे दिख रही है। सुल्तान ने ये मुकाबला जीता है, क्या यहाँ पर एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है अंशुमान सिंह राजपूत के नाम। 11 बॉल में 36 रन, चौके लगाए 6, सिक्सर लगाए 2 और गेंदबाजी में 2 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट्स।